क्या करता है आपका बेटा? कोरियोग्राफर है। आप कपूर फैमिली से कोई कनेक्शन है क्या आपका? कौन है कपूर फैमिली वाले आपके? आराम से कंफर्टेबल हो जाइए, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए। राज कपूर उसी में मैं इवनिंग में एक ने एम्बुलेंस मंगाया कि घर से मम्मी को लाके एडमिट करना है, मम्मी सी इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो हम लोगों ने एम्बुलेंस और लोग यहाँ से भेजे और उन्होंने लाके 21 को इवनिंग में एडमिट किया। एडमिट करने के बाद एडमिशन का जो भी फॉर्मेलिटी रहती है, पेपर वर्क वगैरह उन्होंने किया, और करने के बाद उनका जो लड़का था कि सन, वो बोला कि मैं डिपॉजिट नीचे से ATM से लेके आता हूँ, और नीचे ATM में गया। उसके बाद से ही नेवर कम बैक हियर। महिला का क्या नाम है सर, उनकी उम्र क्या है और क्या दिक्कत क्या थी? मिसेस गीता कपूर करके है, 58 ईयर्स ओल्ड लेडी है वो। जब यहाँ पर आई थी तो थोड़ा सा अनकॉन्शियस स्टेट में थी, डिहाइड्रेटेड थी, BP वॉज इन लोअर साइड, ऐसा करके उन्होंने एडमिट किया था। बात हुई गीता कपूर से, उनका लड़का क्या करता है, उनके संबंध कैसे हैं? हाँ बात हुई, अभी तो बिल्कुल पेशेंट ओके है, डिस्चार्ज कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में है। और जब कोई कॉन्टेक्टेबल नहीं था तो हम लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, तो उसने बताया कि उसका लड़का कोरियोग्राफर है, कहाँ पर है वो पता नहीं है। और जो उनकी लड़की है पूजा कपूर करके, वो एयर होस्टेस है, पुणे में प्राइवेट जेट में फ्लाई करती है जी, प्राइवेट जेट में। सर लड़के का नाम क्या है और क्या कोशिश की गई उससे बात करने की? राजा कपूर करके लड़के का नाम है, उससे जो उसने नंबर लिख के दिया था उससे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो फोन तो उठाता नहीं है, जैसे अभी हम मेरे को हॉस्पिटल में ब्लॉक करके रखा है उसने। लेकिन जब दूसरे नए नंबर से करते हैं तो वो मैसेज भेजता है कि आप कौन बात कर रहे हैं। यदि हमने बोला कि SRV हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं, तो मैसेज में बोलता है कि ठीक है मैं, या कि मेरा कोई आदमी आ रहा है, कल परसों आएगा, आके मिल के जाएगा मम्मी को, ये वो करके मैं आऊँगा, ऐसा करके वो रोज यही बोलता है हर दूसरे तीसरे दिन, लेकिन आज तक कोई आया नहीं उसका। इस मामले में कोई पुलिस से शिकायत की गई हो? हमने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है 2 तारीख को, उन्होंने लेटर भी रिसीव किया है हमसे और बोले कि हम लोग बात करके देखते हैं, लेकिन शायद उनसे कुछ रिस्पांस नहीं, मतलब शायद मिले नहीं उनका लड़का, या कि क्या हुआ है पता नहीं कुछ। कुछ ओल्ड एज होम में कोई रखने की बातचीत वगैरह हो रही है? अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो उसको, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अच्छी हो चुकी है, अभी वो अननेसेसरी यहाँ पर उसका मेंटली थोड़ा वो हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है कि उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से बेचारी वो डिप्रेस हो रही है थोड़ी सी, तो हम लोग चाहते हैं कि कहीं पर ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दें। किसी से कॉन्टेक्ट हो पाए? अभी तक तो नहीं हुआ है, लोग कुछ लोग फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं कुछ NGO के थ्रू वी विल शिफ्ट हर। ओके। हाँ, जिस घर में हमारी एम्बुलेंस गई थी लेने के लिए, उस 5-6 दिन के बाद जब कोई कॉन्टेक्टेबल नहीं था तो हम लोगों ने जाके पता करने की कोशिश की, तो उस जिस घर में गए तो वहाँ लॉक था, तो हम लोगों ने आजू बाजू वाले से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जिस दिन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया मम्मी को, उसके दूसरे दिन उन्होंने पैकअप करके अपना सामान यहाँ से घर छोड़ के चले गए, और 3 महीने पहले ही वो उस घर पे रेंट में आए थे। ठीक है सर, थैंक यू।